बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एंड लर्न अबाउट द ऑपरकुलम ऑफ अ फिश एंड वी विल डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एज वेल एज द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरकुलम इन अ फिश। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ ऑपरकुलम। ऑपरकुलम इज़ अ बोनी फ्लैप कवरिंग द गिल्स ऑफ अ टीलियोस्ट फिश। जो मॉडर्न बोनी फिशेज़ हैं उनके गिल्स को जो कवर करने वाली स्ट्रक्चर है उसको ऑपरकुलम कहा जाता है। सो द गिल ओपनिंग्स ऑफ मोस्ट बोनी फिश आर कवर्ड बाय अ थिन एंड अ फ्लेक्सिबल बोनी ऑपरकुलम। अब यहाँ पे आप इस नीचे वो जो आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आप फिश का ऑपरकुलम देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। तो ये जो है फिश का ऑपरकुलम, इसकी फिश की गिल्स जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं दोनों साइडों पे, उनके ऊपर एक कवरिंग का काम करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो फिश का ऑपरकुलम होता है। सो वी कैन से दैट इट प्रोटेक्ट्स द गिल्स एंड आल्सो सर्व्स एज अ रोल इन रेस्पिरेशन। तो फिश की रेस्पिरेशन में भी ये रोल प्ले करता है। मेजर इसके जो फंक्शन यही है कि फिश के गिल्स की प्रोटेक्शन करना और फिश को रेस्पायर करने में हेल्प करना, खासतौर पर बोनी फिशेज़ में, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेज़ में ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है। सो द ऑपरकुलम इज़ अ सीरीज ऑफ बोन्स विच आर फाउंड इन बोनी फिश दैट सर्व्स एज अ फेशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो ये फेशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर का काम करता है, यानी फिश का जो फेस है उसको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ये बोनी स्ट्रक्चर, जिससे उसके फेस की एक खास जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। एंड दे आल्सो फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द गिल्स, क्योंकि गिल्स बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो है रप्चर कर सकती हैं या उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो ये उनको क्या करता है, कवरिंग किए रखता है। जब फिश अपने माउथ से वाटर को अपने अंदर लेके जाती है तो उसके बाद माउथ के अंदर वाटर का प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है, उसके ऑपरकुलम साइडों से ओपन हो जाते हैं ताकि वाटर जो है वो गिल्स के अक्रॉस गुजर सके और फिश के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। सो इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड फीडिंग। अब बहुत सारी फिश ऐसी हैं जिनके अंदर ये फीडिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। बिकॉज द ऑपरकुलम ऑफ द फिश कैन मूव बैक एंड फोर्थ एंड इट जनरेट्स सक्शन सो दैट इट कैन एनगल्फ प्रे आइटम्स ड्यूरिंग फीडिंग। तो इस तरीके से ये सक्शन एक क्रिएट करता है जिसकी वजह से प्रे आइटम्स को भी जो है फीडिंग के दौरान जो है वो एनगल्फ किया जा सकता है। द ऑपरकुलम साइज वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेज, लाइक जो फिशेज की कम एक्टिविटी होती है या जो स्मॉलर साइज की होती हैं तो उनके अंदर जो है वो ऑपरकुलम का साइज भी जो है वो रिड्यूस हो गया हुआ है, या गिल कवरिंग कह लें या गिल ओपनिंग कह लें, वो सारी की सारी स्मॉलर साइज की हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ईल्स की एग्जांपल दी गई है कि ईल्स के अंदर जो हैं दे हैव टिपिकल ओपनिंग्स विच आर रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल होल। तो अब इनके अंदर ओपनिंग्स जो पाई जाती हैं वो जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा होल रह गया हुआ है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरकुलम को जो है ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना था, और इनको जो है चूँकि ये बहुत बॉटम में रहती हैं तो वहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती थी कन्फाइंड एरिया में रहने की वजह से, तो दैट्स वाई इनके अंदर जो है वो ओपनिंग्स बहुत स्मॉल साइज़ की हो चुकी हुई हैं। यानी जिस फिश की जितनी एक्टिविटी जो है वो लो होगी उसके अंदर उतना ही जो ये ऑपरकुलम कह लें या गिल ओपनिंग्स के यहाँ पे कह लें जो हैं वो स्मॉल साइज़ की होती चली जाएंगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं फिश की एक्टिविटी के साथ वेरी करती चली जाती हैं। तो ईल क्या है, इसकी बॉडी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरी फिशेज़ के साथ, क्योंकि इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और कभी कभार लेटरली कंप्रेस्ड भी होती है। तो ईल्स जो होती हैं इनके अंदर गिल ओपनिंग्स जो हैं दे आर वेल डिवेलप्ड विच आर लीडिंग टू लार्ज इंटरब्रैंकियल स्लिट्स। तो इनके गिल ओपनिंग्स जो हैं वो वेल डिवेलप्ड होती हैं ईल्स के केस में, और इनके अंदर लार्ज इंटरब्रैंकियल स्लिट्स पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पाइरेकल्स ऑफ शार्क्स। स्पाइरेकल्स आर द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द आईज ऑफ ऑल रेस एंड सम शार्क्स। दे आर मोडिफाइड गिल स्लिट्स दैट अलाउ फिश टू टेक इन ऑक्सीजनेटेड वाटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिश का स्पाइरेकल है जो कि उसकी बिल्कुल आई जो है उसके पीछे पाया जाता है, आई के बिहाइंड होता है। एंड दे आर मोडिफाइड गिल स्लिट्स विच अलाउ द फिश टू टेक इन ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो ये गिल स्लिट्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि फिश को वाटर को अपने अंदर लाने में हेल्प करते हैं। स्पाइरेकल्स हेल्प अ शार्क टू ब्रीद वेन इट इज़ लइंग ऑन द सी बॉटम और इवन बरिड राइट अंडर द सैंड। तो जब ये सैंड पे बरिड की होती है या बॉटम ऑफ द सी में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, तो तब स्पाइरेकल्स के थ्रू रेस्पायरेशन कर रही होती है। लेकिन नॉर्मली क्या करती हैं, अक्सर शार्क्स अपने माउथ को यहाँ से ओपन करती हैं
और ड्यूरिंग स्विमिंग प्रोसेस, जब स्विम कर रही होती हैं, तो इस तरह से माउथ से वाटर होता हुआ उनके यहाँ से वापस निकलता जाता है स्पाइराकल से, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैम वेंटिलेशन, जो कि अक्सर जो है इलेजमोब्रैंक्स में पाया जाता है, जिसमें शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स आ जाती हैं, रेज या सी शार्क्स एट्सेट्रा। सो स्पाइराकल्स आर बेसिकली द स्मॉल ओपनिंग्स विच आर यूज फॉर द इनटेक ऑफ वाटर फॉर रेस्पायरेशन, एंड दे आर डॉर्सली लोकेटेड इन केस ऑफ रेज एंड स्केट्स, एंड दे आर लेटरली लोकेटेड इन केस ऑफ शार्क्स। इन मोस्ट एक्टिव स्पीशीज ऑफ शार्क्स हाउएवर द स्पाइराकुलर ओपनिंग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज। तो जो ज़्यादा एक्टिव जितनी शार्क्स की स्पीशीज हैं उनके अंदर स्पाइराकुलर ओपनिंग क्यों रिड्यूस हो गई हुई है, बिकॉज दे रेस्पायर थ्रू देयर माउथ, जिसको मैंने रैम वेंटिलेशन आपको बताया था। तो अपने माउथ के थ्रू जो रेस्पायरेशन कर रही हैं, अपने माउथ को मुसलसल ओपन रखती हैं, जहाँ से वाटर इनटेक करती हैं और फिर यहाँ से वापस निकालती चली जाती हैं और अपने गिल्स के अक्रॉस से वो बाहर निकाल देती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैम वेंटिलेशन, जो कि इलेजमोब्रैंकाई जो है वो शो करती हैं। तो उसके अंदर शार्क्स, स्केट्स, रेज वगैरह आ जाती हैं, तो वो सारे जो हैं वो इस तरह से, या ट्यूना भी फिश उसमें आ जाती है, ओपन ओशन बोनी फिश। ट्यूना जो है वो एक अलहदा फिश है, वो इस इलेजमोब्रैंकाई में तो नहीं आती, लेकिन वो भी जो है इसी तरीके से जो है वो रेस्पायरेशन कर रही होती हैं माउथ को अपने ओपन रखते हुए, विच इज़ नोन एज रैम वेंटिलेशन प्रोसेस। सो द ओपरकुलम सीरीज कंटेन फोर बोन सेगमेंट्स नोन एज प्री ओपरकुलम, सब ओपरकुलम, इंटर ओपरकुलम एंड ओपरकुलम। यानी जो ओपरकुलर सीरीज़ हैं इसके अंदर फोर कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं पाए जा सकते हैं किसी भी ओपरकुलम के, जिसमें है प्री ओपरकुलम, सब ओपरकुलम, इंटर ओपरकुलम और ओपरकुलम। अगर ओपरकुलम को देखें तो वो येलो कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसी तरह से प्री ओपरकुलम जो है वो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, ग्रीनिश कलर में जो है वो है इंटर ओपरकुलम, और इसी तरह से सब ओपरकुलम जो है वो पिंक कलर में दिखाया गया है। अब अगर प्री ओपरकुलम को आप देखें तो इट इज़ अ क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हैज़ अ सीरीज ऑफ रिजिस डायरेक्टेड पोस्टीरियर डॉर्सली टू द ऑर्गेनिजम्स कैनाल पोर्स। और प्री ओपरकुलम जो है इट कैन बी लोकेटेड थ्रू एन एक्सपोज कॉन्डाइल दैट इज़ प्रेजेंट इमीजिएटली अंडर इट्स वेंट्रल मार्जिन एंड इट ऑल्सो बॉर्डर्स द ओपरकुलम। ये देखें ओपरकुलम के साथ भी ये यहाँ पर बॉर्डर बना रहा है। इसी तरह से अगर सब ओपरकुलम और इंटर ओपरकुलम के साथ ही पोस्टीरियरली ये यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सब ओपरकुलम विच इज़ शोन हेयर इन पिंक कलर, तो आप इसको देख सकते हैं कि द सब ओपरकुलम इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, ये रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इन मोस्ट बोनी फिशेज एंड इज़ लोकेटेड वेंट्रल टू द प्री ओपरकुलम। तो ये प्री ओपरकुलम के वेंट्रल यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड ओपरकुलर। इट इज़ द थिनेस्ट बोन सेगमेंट आउट ऑफ द ओपरकुलर सीरीज एंड इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द गिल्स। अब देखिए गिल्स के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल थिनेस्ट सेगमेंट है, यानी सबसे जो है वो पतला सेगमेंट आपको नज़र जो आ रहा है वो कौन सा है, सब ओपरकुलम। और इंटर ओपरकुलम अब अगर हम देखें जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो इंटर ओपरकुलम क्या है, इट इज़ अ ट्राइंगुलर शेप्ड एंड बॉर्डर्स द सब ओपरकुलम पोस्टीरियर डॉर्सली। अब अगर ये देखें तो ये इसकी शेप आप गौर करें तो ट्राइंगुलर ये शेप का है, और ये किसके साथ बॉर्डर बना रहा है, सब ओपरकुलम के साथ पोस्टीरियर डॉर्सली एंड द प्री ओपरकुलम एंटीरियर डॉर्सली। तो प्री ओपरकुलम के साथ ये एंटीरियर डॉर्सली जो है वो बना रहा है। अगर आप एंटीरियर साइड इसकी देखें तो प्री ओपरकुलम की तरफ, यानी रेड जो आपको दिखाया गया था उसके साथ इसका बॉर्डर बन रहा है। तो इसी तरह से जो दूसरा है बोन उसके साथ सब ओपरकुलम के साथ कैसे बना रहा है, पोस्टीरियर डॉर्सली, यानी जो पिंक है उसके साथ पोस्टीरियर डॉर्सली। नाउ इन दिस स्लाइड यू मे सी द ओपरकुलम ऑफ अ यूरोपियन पर्च। तो यूरोपियन पर्च का ओपरकुलम दिखाया गया है, इसको फोर जो है वो कलर्स के साथ दिखाया गया है, इसके बोनी सेगमेंट्स को ए बी सी एंड डी। तो ए इसमें जो है वो नज़र आपको जो आ रहा है दैट इज़ ओपरकुलम, बी जो है प्री ओपरकुलम है, सी इंटर ओपरकुलम और डी क्या है, सब ओपरकुलम। और इसमें ये फोर आपको जो है साइड्स दिखाई गई हैं इसके ओपरकुलम की। अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो वो डॉर्सल साइड है, जो अबव साइड है, जो इस तरफ है जो उसकी यानी कि राइट साइड पे जा रही है वो उसकी टेल साइड है या कॉडल साइड है। इसी तरह से इस तरफ जो उसके माउथ की तरफ है वो रोस्ट्रल साइड है, और अगर नीचे की तरफ आप देखें तो वो उसकी क्या है, वेंट्रल साइड। तो इस तरह से फोर साइड्स होती हैं।
Now in this slide you may see the European perch. It is also commonly known as common perch, European perch, redfin perch, big scaled redfin, English perch, Eurasian perch, Eurasian river perch. So it is a predatory species of the freshwater perch, native to Europe and northern Asia. And this species is a popular quarry for anglers and has widely been introduced beyond its native area into Australia, New Zealand and South Africa. As already I have told you that the operculum series contains four bone segments known as the pre-operculum, sub-operculum, inter-operculum and operculum. The pre-operculum is a crescent shaped structure जो कि आपने लास्ट स्लाइड में देखी थी, दैट हैज़ अ सीरीज ऑफ रिजेस डायरेक्टेड पोस्टीरियर डॉर्सली. द प्री ऑपरकुलम कैन बी लोकेटेड थ्रू एन एक्सपोज्ड कॉन्डाइल दैट इज प्रेजेंट इमीजिएटली अंडर इट्स वेंट्रल मार्जिन. इट आल्सो बॉर्डर्स द ऑपरकुलम, सब ऑपरकुलम एंड इंटर ऑपरकुलम पोस्टीरियरली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पाइरेकल्स ऑफ शार्क्स. Spiracles are the openings which are present just behind the eyes of all rays and some sharks. They are modified gill slits that allow fish to take in oxygenated water. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिश का स्पाइरेकल है जो कि उसकी बिल्कुल आई जो है उसके पीछे पाया जाता है, आई के बिहाइंड होता है. एंड दे आर मोडिफाइड गिल स्लिट्स which allow the fish to take in oxygenated water. तो ये gill slits की ही modified form है जो कि fish को water को अपने अंदर लाने में help करते हैं. Spiracles help a shark to breathe when it is lying on the sea bottom or even buried right under the sand. तो अब अगर हम development के हवाले से बात करें तो opercular series जो हैं ये सबसे पहली बनने वाली bony structures हैं जो कि fishes के अंदर develop होती हैं. जैसा कि थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक जो फिश है इसके अंदर ओपरकुलर सीरीज़ को आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि 7 डेज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो देखा जा सकता है. सिर्फ 7 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के उनके अंदर जो है ओपरकुलर सीरीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है इन केस ऑफ थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश. और इसी तरह से विद इन आवर्स जो है इसकी शेप विजिबल हो जाती है और इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो डेवलप होते चले जाते हैं. कुछ ही घंटों के बाद इसकी शेप जो है वो विजिबल हो जाती है फिश के अंदर. जैसा कि आपको बताया है कि ड्यूरिंग डिवेलपमेंट जो है ओपरकुलर सीरीज सबसे पहली बनने वाली बोनी स्ट्रक्चर्स हैं. एंड द साइज एंड शेप ऑफ ओपरकुलम बोन इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिजम्स लोकेशन कि वो किस जगह पे पाया जाता है उसके हिसाब से इसकी डेवलपमेंट होगी. जैसा कि आपको बताया था कि जो बॉटम डिवेलर्स हैं उनके अंदर ओपरकुलम की इतनी वेल डेवलपमेंट नहीं होती क्योंकि वो जो है क्योंकि इसने ओपन या क्लोज होना होता है तो वहाँ पे जो है एरियाज हैं वो बड़े नैरो होते हैं तो इसलिए उनके अंदर ओपरकुलम या तो होता नहीं या बहुत ही वेल डिवेलप नहीं होता, बहुत ही लेस डिवेलप्ड होता है. तो एक्टिविटी के मुताबिक फर्स्ट स्लाइड में जैसे हमने डिस्कस किया था ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ओपरकुलम की डिवेलपमेंट. This slide is showing the image of three-spined stickleback fish. For example, freshwater three-spined sticklebacks form a less dense and smaller opercular series इन रिलेशन टू मेरीन थ्री स्पाइन स्टिकल बैग्स. यानी जो फ्रेश वाटर थ्री स्पाइन स्टिकल बैग्स हैं इनके अंदर कम डेंजर और स्मॉल ओपरकुलर सीरीज बनती हैं. मेरीन जो थ्री स्पाइन स्टिकल बैग्स हैं इनके अंदर लार्जर और थिकर ओपरकुलर सीरीज बनती हैं. अब ये भी एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी चेंज है इन ओपरकुलम बोन. द थिकर एंड मोर डेंस बोन मे हैव बीन फेवर्ड ड्यू टू सिलेक्टिव प्रेशर्स exerted from the three spine stickle backs environment. अगर selective pressure की हम बात करें तो ये क्या होता है. Selective pressure is any phenomena which alters the behavior and fitness of living organisms within a given environment. यानी selective pressure कोई भी ऐसा मज़हर है जिसके अंदर किसी भी जानदार का रवैया और उसकी फिटनेस जो है किसी भी environment के अंदर चेंज हो जाती है. It is the driving force of evolution and natural selection and it can be divided into two types of pressure,
दैट इज़ बायोटिक प्रेशर और एबायोटिक प्रेशर. द डिवेलपमेंट ऑफ द ऑपरकुलर सीरीज हैज़ चेंज ड्रामेटिकली ओवर टाइम. द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द थ्री स्पाइन स्टिकल पैक प्रोवाइड द एंसेस्ट्रल शेप ऑफ द ऑपरकुलम बोन. ओवरऑल द ऑपरकुलम बोन बिकेम मोर ट्राइंगुलर इन शेप एंड थिकर इन साइज ओवर टाइम. यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इसके अंदर जो है वो ऑपरकुलम जो है उसकी बोन जो है वो ट्राइंगुलर भी शेप होती गई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा और वो काफ़ी थिक भी होती चली गई. इंक्रीज स्पाइन स्टिकल पैक फिश. There are two genes which are responsible for the development of opercular series, and these are the EDA and PTEX1 genes. EDA gene provides instructions for making a protein called ectodysplasin A. This protein is a part of a signaling pathway that plays an important role in development before birth. Specifically, it is critical for interactions between two embryonic cell layers called the ectoderm and mesoderm. While the PTEX1 gene provides instruction for making a protein that plays a critical role in development of lower limbs in other animals, except fishes, the protein acts as a transcription factor, which is a protein that attaches to specific regions of DNA and helps to control the activity of particular genes. सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों जीन्स हैं ये किस तरह से उसकी ओपरकुलम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, और अगर इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो तो ओपरकुलम की प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है फिश के अंदर. फंक्शंस ऑफ ओपरकुलम इन फिश. द ओपरकुलर सीरीज इज वाइटल इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन. यानी इनका बहुत बड़ा रोल है फिश को ऑक्सीजन दिलवाने में ओपरकुलर सीरीज यानी इसकी बोन्स का. दे ओपन एज द माउथ क्लोजेज. अब जब फिश अपना माउथ को क्लोज कर लेती है तो ये ओपन हो जाते हैं कॉजिंग द प्रेशर इन साइड द फिश टू ड्रॉप. उससे क्या होगा फिश के अंदर जो प्रेशर होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और वाटर क्या करेगा किस तरह फ्लो करेगा टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर अक्रॉस द फिशिज गिल लैमेले. तो इससे क्या होगा वाटर देन फ्लोज टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर अक्रॉस द फिशिज गिल लैमेले. तो फिश के जो गिल्स के लैमेले हैं जो आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे तो उनके अक्रॉस जो है वो वाटर मूव करेगा क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था काउंटर करंट फ्लो जिसमें एक तरफ से वाटर मूव कर रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज़ नोन एज काउंटर करंट फ्लो अलाउइंग सम ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर. तो इससे क्या होगा जो फिश के गिल मैले हैं वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर के अंदर से. बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस रैट फिशीज दे प्रेजेंट सॉफ्ट एंड फ्लैक्सीबल ओपरकुलर फ्लैप्स. तो वहाँ पर उनके अंदर क्या होते हैं जो ओपरकुलर सीरीज के फ्लैप्स हैं वो क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं रैट फिशीज़ के अंदर. बट इन केस ऑफ शार्क्स रेज एंड रेलेटिव सच एज इलेस्मोब्रैंक्स फिशीज लैक द ओपरकुलर सीरीज. दे इंस्टेड रिस्पायर थ्रू अ सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स दैट परफोरेट द बॉडी वॉल. लेकिन शार्क्स स्केट्स यानी कि जो होती हैं या रेज वगैरह जो हैं इनके अंदर इलेस्मोब्रैंक्स जो फिशीज हैं ओपरकुलर सीरीज एब्सेंट होती हैं यानी इनके अंदर कोई भी ओपरकुलम नहीं पाया जाता है बल्कि ये रेस्पायर किस तरह से करती हैं थ्रू देयर गिल स्लिट्स जो कि इनकी बॉडी वॉल के अंदर जो छोटे छोटे कुछ चीरे की तरह की स्लिट्स नज़र आ रही होती हैं. विदाउट द ओपरकुलम बोन अदर मेथड्स ऑफ गेटिंग वाटर टू द गिल्स आर रिक्वायर्ड सच एज रैम वेंटिलेशन एज यूज बाय मैनी शार्क्स. यानी अब इसमें क्या होता है इलेस्मोब्रैंक्स यानी ओपन ओशन बोनी फिशेस या ट्यूना वगैरह जो हैं अपने माउथ को ओपन रखती हैं ड्यूरिंग स्विमिंग जिससे क्या होता है वाटर माउथ से होता है वो उनकी गिल्स में से कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है. दिस मेथड इज टर्म्ड एज रैम वेंटिलेशन.